नहीं था के दानिश्ता भी तूने क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरी अल्लाह ने मुझे रुसवा न किया। बात दिल में ही थी और दिल में रही के काम हो भी गया। ओ ऐसा कौन जिसने जुबान का तकल्लुफ भी गवारा न किया। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات واسطے۔ عزیز سامعین، بزرگ دوستو، عزیزو اور قابل سب احترام سننے والی ماؤں، معززات، بہنوں، میرے کو 9:20 ہو گئے نے تے انشاءاللہ 9:03 تے میں ویران وال ودا کہہ دیواں گا، تو زیادہ ٹائم نہیں لواں گا، 2-4 گزارشات جی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو میرے ویر 10 منٹ میری گفتگو توجہ دے نال، دھیان دے نال، غور دے نال سننا۔ اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ صحیح صحیح معنی دے اندر بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے ویر، جس طرح قرآن پاک دی ایک آیت میں تساں ویراں دے گوش گزار کیتی ہے، اس آیت دے اندر اللہ نے مسلماناں نو کھلیا ہویا سبق یاد کروایا، اللہ نے مسلماناں نو ایک پوائنٹ دتے کہ مسلمانو تسی کوئی عام جئی مخلوق نہیں ہو، بلکہ اللہ نے تہانوں اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ تے اس واسطے اللہ نے دلیل کی دتی، آ سنو، اللہ کم الحاکمین نے اپنے قرآن دے اندر فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشيا متصديا من خشية الله۔ اللہ کم الحاکمین نے فرمایا او انسانوں، اگر اے قرآن میں پہاڑا تے نازل کر دیندا تے پہاڑ میرے ڈر دی وجہ کر کے ریزا 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 کھو جاندے میرے خوف دی وجہ کر کے، تو ہاڈے تے اللہ نے قرآن کیوں نازل کیتا، تو ہانو قرآن دے واسطے اللہ نے کیوں چنیا۔ اللہ کہندا اے او انسان، تینوں میں اشرف المخلوقات بنانا سینا، تیری شان تیرا مرتبہ پہاڑ ہون، نباتات ہون، حیوانات ہون، جن ہون، ہر چیز نالو تمام مخلوقات دے نالو تیرا مرتبہ اونچا کرنا سینا، تیرے تے اللہ نے قرآن نازل کر چھوڑیا۔ پھر اس قرآن دے تقاضے پورے کرنا میں تساں دا کم ہے، ساڈا کم ہے نا۔ او میرے ویر، لوگ کہندے نے
मौलाना साहब कारी साहब कुरान असर कोई नहीं करता है, बड़ा पढ़ने है कुरान दिलाते असर नहीं करता है। ओ मेरे वीर किवे असर करे कुरान दिला दे उते, क्यों जो साडे दिल रूड़ी बन गए, साडे दिल पत्थर बन गए। अल्लाह हू अकबर अल्लाह। ओ मेरे वीर कुरान जी दा तकाजा करदा है, कुरान दे लवाजमात पूरे करना है। खुदा दी कसम दुनिया भी बन जाएगी, आखिरत भी बन जाएगी। अल्लाह हू अकबर अल्लाह 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 अल्लाह। देखना मेरे वीर अल्लाह दा कुरान इस बात दियां गवाहियां दे रहे है, नबी अलैहिस्सलाम दी हदीस गवाहियां दे रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरे और तुसां दे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे साहबा कोई कुरान दी आयत सुनन ते अल्लाह अकबर दिल नरम हो जान, कुरान दिल ते असर कर जाए। सारा सारा रमजान कुरान सुन करके गुजार देन वाले, अख दे विचों कदी आंसू नहीं आया, कुरान दी समझ कोई नहीं आई। ओ मेरे तेरी औलाद नू किरकड़ दे पंजाब पंजाब सू याद, लेकिन याद नहीं थी अल्लाह का कुरान याद नहीं। ओ वाइट लेग वाइट जनाब आउट ये वो एनू क्या जानदा, सारा ही पता लेकिन कुरान दा कोई नहीं पता। बाबे नू दुनिया दे सारे तजर्बात आउंदे ने लेकिन नहीं आउंदा थी अल्लाह का कुरान, नहीं आउंदा कुरान दिया समझा कोई नहीं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब देखना मेरे पाक पैगंबर दा साहब हजरत उस्मान जमील कुरान रजी अल्लाह तआला हो रजी अल्लाह तआला हो, मेरे पाक पैगंबर दा साहबी नाल जदो कुरान पढ़िया जांदा हजरत उस्मान दे अगे ज़ारो कितार अखां दे विच आंसू आण लग जांदे, ज़ारो कितार रोण लग जांदे ने। ना लोग पुछदे ने उस्मान नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तेनू जन्नती नहीं आखिया, तू क्यों रोना, किस वजह तो अखां दे विच आंसू आंदे खैण। मेरे पाक पैगंबर दा साहबी कहंदे ओ मेरे साथियों तुसी नहीं जानदे, जदों कुरान दे अंदर कबर दा जिक्र हुंदा है ना, उस्मान दियां अखां दे विचों ज़ारो कितारां सुआन लग जांदे, कुरान असर करन लग जांदा है। आ वेखना मेरे पाक पैगंबर दा इक और साहबी, ओ कौन मेरे पाक पैगंबर, इतने अजीम पैगंबर ते ओदे सहाबा क्यों ना अजीम होण, इतने अजीम पैगंबर अल्लाह अकबर अल्लाह, इतने आला ते अल्फा पैगंबर। नारे तकबीर मौलाना सिबगतुल्ला ढोगर साहब, माशाल्लाह साडे मुअज्जत मेहमान तशरीफ ले आए ने। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो मेरे वीर थोड़ा जितना टाइम मेरा बाकी, मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहना है। ओ कौन नबी, इतने अजीम नबी ते साहबा क्यों ना अजीम होण, ओ कितने अजीम नबी। किते मेरे पाक पैगंबर दी शान कुरान बयान करे ना अल्लाह अकबर अल्लाह, ते अल्लाह दा कुरान करे नूर वल कलम वमा। पहले मेरे पीर की शराब जुआ है पा गया, जगंदा है पीर पूरे जग नू जगा गया। अलम नशराह लको सीना पीर दा, वद कस्तूरियों पसीना पीर दा। वो जेड़ी जेड़ी गली गया गली महका गया, सैयद कुनैन दा ते जग उते छा गया। नबियां दे विचों उच्चा शान मिलिया, अखलाक सोना जिसनों कुरान मिलिया, इजाज सोना पा गया, सैयद कुनैन दा ते जग उते छा गया। ओ जेड़े जे ओ जेड़े मेरे ओ मदनी दे जेड़े जेड़े यार बन गए, जन्नतां दे आके सरदार बन गए।
जिनू जिनू पीर मेरा सीने नाल ला गया, सैयद कुनैन दा ते जग उते छा गया। अल्लाह अकबर अल्लाह, उस पैगंबर अजीम पैगंबर दे अजीम साहबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो बैठे हुए अपने यारा बेलिया के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, अपनी लौंडी नू किया वास्ते खाना लेकर के आ, इतना भर भर के बर्तन खाने ते लेकर के आ रही है ना, अचानक पैर फिसलिया ते शोरबा हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हो दे उत्ते। हजरत हसन गुस्से दे नाल वेखदे ने ना ते कहंदी की है, इक्को ही चीज जिहड़ी अल्लाह अकबर दिलां नू बदल देण वाली, दिलां नू नरम ते मोम कर देण वाली, ते पढ़दियां की ने, वल काज़िमीन अल ग़ैज़। मैंने उस बात पे कुछ कहने की जसारत की है, जुमला समझ आए विदा। तमाम किस्म की हमदो सना कबरियाई दे पाक मतहर मुअल्लक ने अल्लाह रब्बुल इज्जत वास्ते ने जो पूरी कायनात दा खालिको मालिक युदब्बिरुल अम्र अला कुल्लि शैइन कदीर फ़ालुल लिमा युरीद यफ़अलु मा यशा है अंगी ला तादाद में शुमार दुरूद सलाम आकाए दो जहां हबीबे किबरिया वालिये बकहा सैयदुल अब्बरीन वल आखिरीन अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात बाबरकत
मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की मुकद्दस मुअल्ला आला ते अरफा किताब का एक मुकाम है। अरबे अरबो समा को दुआ है, अल्लाह मैं गुनागार नो इदो मफहूम दान करन दी तौफीक अता फरमाए। रब्बे अरबो समा सुनन सुनान तो बाद मेरे समेत जितने दोस्तों अहबाब तशरीफ फरमा हो, अल्लाह सबनो अमल दी तौफीक अता। आए हुई सवाल, अगर किसी हराम खोल करो करो कहेगा मैनू भी सरकार नाल बड़ा प्यार। गरज किसे जानी नू सवाल करो उहदा भी इहदा मतलब होएगा मैनू सरकार नाल बड़ी मुहब्बत। किसे शराबी नू सवाल करो उहदा भी इहदा मतलब होएगा कि मैनू सरकार नाल बड़ी मुहब्बत है। और इसे तरह कोई चोर है उन्हों सवाल करो जो भी कहेगा मैंने सरकार नाल बड़ी मोहब्बत है। लेकिन मैं सिर्फ इको ही पॉइंट से बात करना चाहता हूं कि सरकारे मदीना दी मोहब्बत अकीदत उल्फत प्यार उदा पता उदो लगेगा जो तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चार फरमान थोड़े सामने रखांगा। जिन्हें लोगों ने मोहब्बत की थी ना अखीर दर्जे की मोहब्बत, अब्दुल्ला बिन उमर मुत्तबे सुन्नत रजी अल्लाह ताला अपना उपरला बटन खुला रखते सवाल किया कि ऐसा क्यों है। मैं सोने इंज वेखे तो मैं अपना बटन तो इंज ही रखना। हजर तेरी कलो किसान ने सवाल किया जदों भी घोड़े से सवारी करती मुस्कान दे सवाल किया कि हजरत अली जी जदों भी घोड़े से बहते हो मुस्कान दे हम वक्त पहले कि एक दफा मैं सरकारे मदीना फरमा रहे अरे सुवाला मानिक रहमान ने राम फरमा रहे आता कुम रसूल फहुदूह वमा नहाकुम अन्हू फन्तहू। रब्बे कायनात कौन ने दसिया अरस वाले मालिक रहमान ने दसिया। अल्लाह फरमाते ने असि तुहानू कसवटी देन लगे हां अगर किसी बंदे की मोहब्बत चेक करनी है आ सरकार ने उहदा प्यार चेक करना है उहदी अकीदत चेक करनी है अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वेखनी है आ पता लगता हैगा अल्लाह दे कुरान ने दसिया है। और जेड़ी गल दा मेरा महबूब हुक्म देवे उहनू मन लवे ते समझ लवे सरकार दे प्यार च सच्चा बंदा है। और जेड़ी गल तो सरकारे मदीना रोक देन उहदे तो रुक जावे समझ लवी सरकार की मुहब्बत के अंदर सच्चा बंदा है। आवेगा जिन्हें सचिया मुहब्बत कीतिया ने जिन्हें सच्चा प्यार किया आ सरकारे मदीना की हदीस आ सही मुस्लिम के अंदर आ नबी पाक का परवाना अल्लाह के नबी का दीवाना अब्दुल्ला बिन उमर आते ने आ सोने नबी पाक ने सरकारे मदीना ने यह काम करन तो मना किया है। अल्लाह के नबी जी ओ केड़ा काम है अदरा गौर करना असि अपने आप इस कसवटी ते परखिए ते सही एक मिनट तो पहला पता लग जाएगा सरकार नाल सच्चा प्यार किन्नू है सरकार नाल सच्चियां मुहब्बत कितियां ने। अल्लाह के नबी का परवाना आवे मेरे महबूब ने मना किया नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल कज़ीब आ सोने नबी पाक ने कदा करन तो मना किया और कदा किस चीज नकार के मोहब्बत के अंदर केड़ा बंदा सच्चा है सरकार के प्यार के अंदर केड़ा बंदा सच्चा है कि इमामे कायनात ने
एक कदा दिया सूरता बनावन तो मरा फरमा छड़िया इतने कई बंदे हम तो देखो जिद्दत आई एक्टर अदाकारा तो मुतासर कई ने सुन्नत रसूल नु ही मजाक बनाए दाढ़ी रखी उन्होंने सत्तर को डिजाइन बनाए इंजनू कट इन्हें दाढ़ी की सूरत ही बिगाड़ी और वारा की सूरत चाहे वो अजीब तरीके जिन्होंने जिन्होंने छोटे छोटे बच्चे ने साडे भी थोड़े वो कई ने उस तरह बना के ना थलो सारी उस तरह बनाया होंगे उत्ते इन्ने को आ रखे हम पूछो जी ये कि कटेंगे वाकई जी ये प्याला कटना दूसरे बंदे को पूछ लो उन्हें मारा भी शक सियाना ब्याना जड़े बड़ा फामो फरासत का मालिक शौर आला उन्हें मगरों मार सारे मशीन फराई हुई थी तो कोई इन्हें छड़े ना बल्कि उसने वाला ही साहब उन्होंने पूछो भाजी तुम यह की जगह बड़ा सियाना बंदा इंजे भी बहाल उन्हें मौलवी जी तो नहीं पता उन्हें मैं तो कभी कराई नहीं मैनू की पता अरे फौजी का करी कई बंद मेरे वेख के आने लगता कि अफसर लग जाए खुद ही मुंडिया बंदा अफसर बन जाता है यह सारा हिस्सा है यानी नबी पाक में मोहब्बत का म्यार थे और ये गल हो गई पुरानिया अगला हूं दौर आया हूं तुम शहर से जो वार चंगे बोले ने उपर लगी वहां जी मारिया ने अद्धे इंजनू फीते ने अद्धे इंजनू पीते ने पता उनकी शक्ल ही बिगा और ऐसे लोग वो कह के सरकार नाल बड़ी मोहब्बत सरकार नाल प्यार सरकार नाल अकीदत तो जे एदा नाम मोहब्बत है तो मोहब्बत वाली तो बम निकल गई कि कम गहरा वा नबी पाक की सही बुखारी की हदीस है नबी सईद ने खुदरी का नकाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع نبی پاک نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا اور کافرہ پیچھے انج چلو گے غیرہ پیچھے انج چلو گے ایسی انہوں نے پیروی کرو گے ایسے انہوں نے طریقے اختیار کرو گے ایسے رسم و رواج اختیار کرو گے یعنی جی میں گت گت دے برابر ہے جی میں حق حق دے برابر میں منڈا مسلمان ہے غلام سرکاریں میں دینا میں کٹن کسے ہندو والی ہوئے گی اور وہ بالوں کی شکل کسے ایکٹر والی ہوئے گی تو پھر نبی پاک نے کہا دی محبت آج انہیں سچی محبت کی تھی ذرا غور فرماؤ کتاب اللباس ابو داؤد امام کائنات طبیب کبریا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پروانہ خرائم اصلی انہاں دے اندر دو کمیاں دو سستیاں سن کدی سلوار گٹیاں تو تھلے چلی جاندی سی اور واگ بھی تھوڑے دے لمبے آپ پیغمبر محمد رسول اللہ آج انہاں نے سچا پیار کیتا ہے سارے تو ہم دعویٰ نے کیتا امام کائنات نبی بے کبریا آمنہ دے لال نے خرائم مسجد بارے فرمایا نعم الرجل خرائم الاسدی اللہ دے نبی آنے نے خرائم مسجد بندہ تے بڑا چنگا وے لولا طول جمعتہ وکسبان ادارہ اللہ دے نبی آمنے خرائم مسجد بندہ بڑا چنگا وے اگر ان دے اندر دو سستیاں نہ ہون ایک اندر وال تولے جمعہ نے یعنی گندیاں تو تھلے جا رہے ہیں نبی پاک آمنے تو جی او دی چادر سروار گٹیاں تو تھلے ہو جاندی ہے جب نبی پاک دے پروانے نو پتا لگ گئی سرکار دے منن والے نو پتا لگ گئی انہاں سچی محبت کیتی سچا پیار کیتا ہے کہ میرے بارے سرکار مدینہ نے انجا کیا ہے اور صحابی رسول دی محبت دا تقاضا تے ویکھنا فآخذ سفرتن او بندے نے کینچی پکڑی اپنے وال کٹ کے کنا دی لو دے برابر کر چھڈے نے اور اپنی چادر چکی محبت دا نام ہے ایتھے محبت دیاں گلاں کر دے رہو ساڈے رکھے آخر نے مولوی جی دعا کرو اللہ توفیق دے دے
मौलवी जी दुआ करो अल्लाह मैनू हदायत दे देवे। ओ हदायत की दुआ मौलवी ते करेगा, जे तेरी नीयत ना होवे दुआ नबी दी भी असर नहीं करती। मौलवी दी दुआ ते की करेगी, अल्लाह ने भी ते को कानून रखे कोई असूल रखे अल्लाह का हदायत भी तो देने जरा लेंदा चुकन की कोशिश कर रहा है। देखो भांडा ही मुद्दा उसे टूबल चलाई रखो उसे की बहन नहीं उसे कुछ है फिर करे और सारी रात वहां सुनाई तो बेफा असल के अंदर असी चाहते हैं जिन्हें भी दिन रात माशाला जलसे हुए कॉन्फ्रेंस होंगे ने अल्लाह कबूल फरमा अल्लाह साथियों की मेहनत कबूल फरमा लेकिन असं आने के बस मौलवी बोले असी सुभान अल्लाह आखिए इस तो अगे कोई गल ना हो अमल उमलाना चक्कर ना हो दीन तक सौखा जो हो सुभान अल्लाह को कम ठीक और जिम्मे एक मिसाल मशहूर है ताकि बात बात यानी कमी सिर्फ अमल दी वरना सुनन सुनान की कोई कमी नहीं। एक बंदा सी ना बंदा उन्हें रखा सी तोता तो पेरे च बंद किया तोते रोजाना सबक पढ़ावे करे सबक उन्हें पता की पढ़ावे कि पिंजरे का दरवाजा खुला हो ना तो बाहर नहीं आई वो मगर मगर पढ़ता सी ते जे बाहर आ जाइए ना हवा च नहीं उड़ी तो जे हवा च उड़ पई है कंध दे बनेरे ते नहीं पई तो जे उतों उड़ पई है ना पोसत दी वाई विच खेत च नहीं जाइदा पोसत खसखास समझते हो ये तो फीम पैदा होंगे तोते हो बड़ी शौक न खाने ये उन्होंने सबक को रोज याद करावे तो मैं पक्का याद हो जा। एक दिन इतफाकी ने जो है वो पिंजरे का दरवाजा खुला रहे तो तोता बाहर भी निकल आया हवा च भी उड़ गया उतों कंध करारे से भी जा बैठ उतों उड़िया वो पोसत वाली वाई से भी जा उड़िया वो जी वाई सी ना उसी सिखा दी वो पांच सत सिख फिरते तो ना है यार आ तोता को नसली जहा लगता फड़ना लगी आप वो चारे पंजे वाहवा कट्ठे हुए उन्हें वाल तल के तोता फड़ी लिया जो उन्हें फड़िया ना तो उन्हें किया पिंजरे च बंद तो जो तोता साहब हो गए ना पिंजरे च बंद पता की आखे पिंजरे का दरवाजा खुला हो तो बाहर नहीं निकली था जो बंद हो गया तो जे बाहर निकल पई है ना तो हवा च नहीं उठी का वो सेखू दिया गल् गौर ना सुन लग पे जे हवा च उठिए ना कंध के किनारे भी नहीं जाइना जी उथे चले जाइए ना पोसत की वाही च नहीं बड़ी का एक सिख बोल गया ना आंदा पक्का मुसला दे मसले सारे याद ने अमल एक भी नहीं किया पक्का मुसला दे हमने रटिया इन्हें सबक याद आई लेकिन अमल एक भी नहीं किया साड़ी भी हालत सुन सुन मसले सारे याद ने मुक्ति शैकलो भी इस बने होंगे ने अमल एक ने दुआ करो अल्लाह तौफीक अता फरमाए। इमामे कायनात तबीबे किबरिया मोहम्मद रसूलुल्लाह सलम का दीवाना अन्नबी पाक का परवाना खुरै मस्ती उन्होंने छुरी पकड़ी वे अपने वाल कट के कन्ना की लौ दे बराबर कर छड़े ने और अपनी चादर चुकी अपनी सलवार चुकी इला इंसाफ हिसा गई ही अति पिंडली ते कर छड़े आई फिर सारी जिंदगी उन्हों थले आन ही नहीं दिता। मैं साड़ी मोहब्बत है ऐसे एक मसले से परख लो सारी जिंदगी होगी सलवार ही नहीं उतार होगी सारी जिंदगी होगी चादर ही नहीं सीधी होगी कई आप भाई ये तो कबीरा गुना है सलवार थले रखना सही बुखारी चेनी इन जगह जन्म च जाए ये तो काम ही बड़ा हल मेरी सलवार थले तो कई आने मौलवी जी तां करी दी फिर पता नहीं लगता थां हो जाता होर गल तेन बड़ा पता लगता सलवार तू बनी तेन पता नहीं लगता ऐ सानू पता है ना कि एक कबीरा गुना है तो यह सफाई की किन्नी है तेती इंच चौंती इंच थले जाए क्यों जो पता है कि भाई कबीरा गुना है
ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੇਚੇ ਪਮੈਸ਼ ਦੇਖ ਲਓ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਮੈਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਮੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 41 ਇੰਚ ਸਲਵਾਰ ਕਿੰਨੀ 43 ਇੰਚ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਖਾਸ ਕਰ ਸਾਡੀ ਡੋਕਰ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਲਵੇਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰਦੇ ਨਾ ਗਲੀਆਂ ਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਗੰਦ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਜਾ ਲੈ ਵੜਦੇ ਬੁੱਢੀ ਅੱਗੋਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਸਵਾਈ ਹੋੜ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਗੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੇ ਆ ਗਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ ਵੀ ਆਪੇ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਇਤਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇਸ ਸੁਨਤ ਤੇ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਦਾਵਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਮੈਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਆਪ ਹੀ ਆਦਤ ਸ਼ਰੀਫਾ ਹੈ ਸੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ